बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू टू एंड डाइपोल। अब हम पढ़ेंगे हम ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। लास्ट आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में देखा था, हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टोक निकाला, टोक की वैल्यू आई थी पी साइन थीटा, जो हम उसके हेल्प से क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो टॉपिक का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने एक डाइपोल प्लेस किया। आपको पता है डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो लेट्स से वो जो डाइपोल रखा मैंने नेगेटिव ये अपना पॉजिटिव ये, तो डाइपोल डायरेक्शन कैसे जाएगी, ये हो जाएगी डाइपोल मोमेंट इसका क्या मान लिया मैंने पी मान लिया, डाइपोल मोमेंट क्या मान लिया इसका पी। लेट्स से ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया थीटा वन बोल दो और थीटा इनिशियल, इसको मैंने इनिशियल एंगल मान लिया। तो मुझे एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी लगेगी इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, या फिर थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो उसमें कितनी एनर्जी डेवलप होगी वो हमें इस आर्टिकल के अंदर फाइंड आउट करनी है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा 1 थीटा इनिशियल, और कुछ टाइम के बाद ये एंगल थोड़ा सा आप ऐसे कह सकते हैं कि डाइपोल आपका ऐसा हो गया, लेट्स से दिस इज थीटा 2 और थीटा फाइनल। ठीक है, तो हमें ये कह सकते हैं कि ए से बी तक जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह जो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि किसी भी थीटा एंगल पे रखा अपना ये इलेक्ट्रिक मान लो डाइपोल है और ये किसी भी थीटा एंगल पे है, तो इसको बिल्कुल थोड़ा सा मूव कराने में कितना मूव कराने में, लेट्स से हमने इसको यहां से कितना ले गए डी थीटा, तो हमें कितना वर्धन करना पड़ेगा पहले वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो वर्धन क्या हुआ डी डब्ल्यू आपने पढ़ा है टॉर्क डॉट डी थीटा, टॉर्क डॉट डी थीटा। अब टॉर्क की वैल्यू बताएं क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टी है डाइपोल मोमेंट पी है, टॉर्क की वैल्यू आपको पता है एस टॉर्क कितना है पी साइन थीटा। ठीक है, तो देखेंगे अगर टॉर्क कितना हो गया पी साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा आएगा। तो एंगल आप देखते हैं और आपको ये पता है अगर मैं वर्णन लिख रहा हूं तो ये वर्णन कौन सा लिखा है मैंने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जहां पे जो टॉर्क डेवलप हो रहा है उसके वजह से लिखा है, तो वो बेसिकली क्या लिखा जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। क्लियर, और तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी कहां से कहां तक बोल रहा हूं मैं आपको थीटा इनिशियल कितना माना मैंने थीटा 1 और थीटा फाइनल सो क्या माना मैंने थीटा 2, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इसकी लिमिट रहेगी। क्लियर, तो देखिए ध्यान से, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, अब P कांस्टेंट है बाहर ले लें तो माइनस PE sin थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो बताएं बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सही बताएंगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल माइनस पीई कोस ऑफ थीटा, लिमिट हो जाएगी आपकी थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अब आप क्या करेंगे इसमें अपर लिमिट पुट कर दें लोअर लिमिट पुट कर दें और आप इसको सोल्व कर पाएंगे, तो देखिए ध्यान से प्लीज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू माइनस पीई अंदर क्या बचा आपका कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 ये अंदर बचा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा बताएं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ठीक है माइनस पीई कोस थीटा 2 और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा प्लस पीई कोस थीटा 1। क्लियर, अब हमें ये डिस्कस करना है पूरा हमारा ये चीज सोल्व हो गई, हमने हायर लिमिट पुट की लोअर लिमिट पुट की और इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब सुने ध्यान से बेटा प्लीज, ठीक है, और सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे
और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। ओके तो चलिए अब आपको पता है पोटेंशियल जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर पहली बात, और दूसरी बात जो पोटेंशियल एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है, हमारी रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो मैं एक एंगल यहां पे सेट करूंगा रेफरेंस के लिए, जैसे मैं ये मान रहा हूं कि जब मेरा ये एंगल थर्ड केस इसमें ना, जब ये मेरा एंगल, ये एंगल लाइक मतलब ऐसे होगा, अगर ये एंगल जब 90 होगा ना थीटा 90, तो मैं बोलूंगा इस केस में पोटेंशियल एनर्जी में जीरो मान रहा हूं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, हालांकि जो डिफरेंस है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो मैंने क्या माना, लेट इनमें से कोई भी आप क्या मान सकते हैं 90 डिग्री, लेट थीटा 1 को बोल देते हैं, थीटा 1 कितना हो गया अपना 90 डिग्री, थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री, अगर थीटा 1 90 डिग्री है, देखो थीटा 1 कोरेस्पोंडिंग कौन सा है इनिशियल, तो आपकी यू इनिशियल कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, यू इनिशियल कितनी हो जाएगी 0, तो आप पुट करेंगे देख ही जाएगा माइनस यूएफ इक्वल्स टू पीई cos थीटा 2 माइनस पीई, 0 माइनस कर लेना, 0 माइनस यू फाइनल पीई cos थीटा 2 माइनस पीई cos 90। ओके अब cos 90 आपको सबको पता है बचपन से पढ़ते आए हैं, कितना होता है cos 90 बेटा, cos 90 हो गया 0। तो बेसिकली आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, अगर मैं रेफरेंस का पे मान लेता हूं जो थीटा एंगल कितना हो 90 डिग्री, कितनी आती है 0 माइनस यू फाइनल पीई cos थीटा 2 और सिंपली माइनस यू एफ क्या आ जाएगा माइनस, इसको डाल देते हैं माइनस पी cos थीटा 2। ठीक है तो एक सिंपल सा मैं यहां पे कंसेप्ट ये लिख सकता हूं कि अगर कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है तो मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाह रहा हूं, तो बेसिकली क्या हो जाएगी यू इक्वल्स टू माइनस पी डॉट सिंपली, ये ध्यान रखना इसमें रेफरेंस क्या मान रहे हैं, रेफरेंस हम मान रहे हैं कि थीटा कितना है 90 पे थीटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। और एक बात और आप नोट कर सकते हैं कि आपको पता है ये यू जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पे डॉट प्रोडक्ट आया, आप देख सकते हैं कोस एंगल डॉट के अंदर ही आता है, और डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है इरा बेटा इसको नोट करो फिर हम इसको आगे चलते हैं। ठीक है अब तो 5 सेकंड पॉज करके स्क्रीन को प्लीज आप इसको नोट करें। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था आपको, तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी, एक स्टेबल की जहां पर टाइम पीरियड भी निकाला था, याद आ गया होगा आपको, अनस्टेबल की। ठीक है स्टेबल में आपने क्या देखा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है और डायपोल भी ऐसे ही था, मतलब दैट मींस डायपोल डिटेक्शन ये थी, ये आपका पी हो गया और ये ई हो गया। तो इस केस में अगर मैं थीटा लिखना चाहता हूं तो थीटा कितना हो गया अपना 0 डिग्री, तो अपना पोटेंशियल एनर्जी निकाल यहां पे कितनी आएगी माइनस पीई cos थीटा आती है, तो ये कितना हो गया माइनस पीई। क्लियर ये बात हो गई स्टेबल की। अब बात करते हैं किसकी अनस्टेबल की। अगर आपको ध्यान हो जब अनस्टेबल बताया था तो मैंने क्या बताया था, दोनों एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल का मतलब हो गया ये अपनी क्या होगी डाइपोल मोमेंट। तो थीटा कितना हो गया इस केस में 180 डिग्री, अगर थीटा 180 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी माइनस पीई cos 180, cos 180 कितना होता है माइनस 1, तो ये बेसिकली कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस पीई, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई कितनी अनस्टेबल के लिए पीई और स्टेबल के लिए माइनस पीई। एक बार मैं आपको थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर ले जाता हूं, शायद आपको ध्यान होगा आपने ये केस किया था शायद, ठीक है इस पोजीशन को आपने क्या बोला था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस पोजीशन को आपने क्या बोला था स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कराएंगे तो बॉडी वहीं आ जाएगी, तो इसको क्या बोला था आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप देख सकते हैं दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी कम किसकी है, ऑफ कोर्स स्टेबल की। ठीक है तो यहां पे क्या देख सकते हैं, यहां पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है माइनस पी और यहां कितनी आई है प्लस पी, बिकॉज अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आनी चाहिए और स्टेबल में कितनी आनी चाहिए मिनिमम। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो यू मिनिमम है बेसिकली कितना माइनस पी। ठीक है इसी तरीके से ये बेसिकली क्या है यू मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी है पी। क्लियर तो ये स्टेबल और अनस्टेबल में एनर्जी भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। दो मिनट स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें प्लीज।
ठीक है बेटा, उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन लिखिए प्लीज सभी। फोर आइडेंटिकल डाइपोल्स, फोर आइडेंटिकल डाइपोल्स आर प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। E as shown in figure, as shown in figure. Arrange them in increasing order of their potential energy. Arrange them in increasing order of their potential energy. Let's say this dipole is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Okay? 2 minute pause karke aaj question ko try kare, fir main isko discuss karta hu. Okay. Dekhiye, ek to kuch bhi mention nahi hai question mein. तो रेफरेंस अपना कहाँ जाएगा, थीटा कितना होना चाहिए रेफरेंस के लिए, 90 डिग्री। तो आप उस बात को भूल जाएं अगर मेंशन नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपको रेफरेंस क्या लेके चलना है, 90 डिग्री। चलिए अब हम सबका निकालते हैं, सभी के एंगल्स आपको लिख रखे हैं यहां पे, थीटा थीटा ये सबके एंगल्स, सबका आइडेंटिकल वर्ड यूज करते हैं, सबका डाइपोल पी बोल देते हैं, इसमें बोला आइडेंटिकल डाइपोल मोमेंट पी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई दे रखी है, क्लियर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डाइपोल मोमेंट, तो हम सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट की लिखना चाह रहा हूँ, फोर फर्स्ट U1, for first U1, लाइन क्या हुआ? बताया था मैंने, minus PE cos of angle between electric field and dipole moment, कितना एंगल है? Very good, theta, cos theta, तो आ गया आपका U1, for second, second देखें, second क्या होगा आपका? Second आपका ये है, U2, minus PE into cos of angle between them. अब एंगल कितना लेंगे आप? आपको पता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है कि हेड अगर निकल रहे हैं तो वही एंगल आप थोड़ा सा लेंगे, तो ये एंगल कितना कहलाएगा? 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कोस 180 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा ये? कोस 180 माइनस थीटा। अब बनाए कोस 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? यस सेकंड क्वाड्रेंट। और 180 पे क्या कोण बदलता है? नहीं बदलता, तो क्या आएगा यू2 बताएं? यू2 आ गया माइनस पीई cos theta, और सेकंड क्वाड्रेंट cos कैसा? नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? प्लस p cos theta, ठीक है। तो सेकंड के लिए आ गया। अब थर्ड के लिए निकालें सिमिलरली करके, फोर्थ थर्ड, थर्ड कौन सा अपना? थर्ड ये वाला है। अगेन थर्ड में कितना एंगल हो जाएगा अपना? ये एंगल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 180 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बताएं? u3 भी क्या सेम आ जाएगा बता? pe cos theta, क्या सेम आ गए? यस pe cos theta। अब बताएं फोर्थ के लिए, फोर फोर्थ डायपोल, फोर फोर्थ, फोर्थ के लिए देखिए, फोर्थ के लिए बताएं एंगल यही काम करेगा बेटा, क्योंकि ये भी हेड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायपोल मोमेंट का भी हेड है, तो बताएं कितना आया प्लीज? यू फोर, यू फोर कितना आया? यू फोर आ गया आपका जो इसका आया था, दैट इज माइनस पीई कोस थीटा। तो आपको अरेंज करना है, और आपको दिख रहा है जो थीटा एंगल्स है सभी के अंदर एक्यूट है, तो दैट मींस कोस वाला जो एंगल है ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, कोस जो क्या रहेगा थीटा? पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा सबसे बड़ा कौन? u2, किसके बराबर है? u3 के। तो आप ये बोल सकते हैं u2 equals to u3 greater than u1 equals to u4, किसके इक्वल हो जाएगा? u2 equal to u3 greater than u1 equal to u4। ओके, नोट कर लिया इसको स्क्रीन को पोज करके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रिक डायपोल, टू मूव एन इलेक्ट्रिक डायपोल
डाइपोल फ्रॉम पोजीशन, फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, ए टू बी फॉर द फिगर, फॉर द फिगर एज शोन. दिस इज ए, दिस इज डाइपोल मोमेंट पी, और ये भी आपका पी, और ये लेट से ये एंगल कितना आपका, मान लेते हैं ये एंगल कितना हुआ 37 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया आपका लेट से समझने के लिए 52 डिग्री. स्क्रीन को पॉज करें, ये पिक्चर दिए मैंने क्वेश्चन, और आप इसको सॉल्व करें प्लीज. ओके देखते हैं, मैं ट्राई किया हूँ आप लोगों ने, अब मैं कराता हूँ. सुनिए भाई यहाँ से प्लीज, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड, मतलब ए से बी तक जाने का. अगर रिक्वायर्ड बोल रहा है दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स का पूछ रहा है. अगर एक्सटर्नल फोर्स का पूछ रहा है दैट मींस अगर मैं वर्क एक्सटर्नल फोर्स का पूछ रहा हूं आपसे तो वो क्या लिखा जाएगा, यू बी माइनस यू ए, सिंपली एक्सटर्नल फोर्स का बोला है उसने तो आप क्या लिखेंगे, यू बी माइनस यू ए. अगर यू बी माइनस यू ए लिख रहे हैं तो यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पीई कोस थीटा. अब कोस थीटा, थीटा कितना लेंगे इसके लिए, कोस 53 डिग्री, खत्म का माइनस. यू ए के लिए क्या लिखेंगे, पीई कोस, अगेन वही बात आ गई बेटा, ये एंगल 37 लेंगे आप या फिर ये वाला एंगल लेंगे, ये आपको देखना होता है दोनों हेड्स निकल रहे हैं वहां से आप एंगल ले रहे हैं, तो ये बेसिकली एंगल कितना, ये सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 37. तो बताएं कितना आया, कोस 180 माइनस 37, ठीक क्लियर. सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आया, माइनस पीई कोस 53 डिग्री माइनस cos 180 में 37 आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव और 180 पे कोई चीज नहीं आएगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस PE cos 37. ओके क्या हो गया, प्लस PE cos 37 डिग्री. एक मिनट, एक माइनस और आएगा फॉर्मूले का, जो माइनस है ना, तो ये माइनस यहां आया तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस ही रहेगा, क्लियर. माइनस पी कोस 37 डिग्री, तो क्या कॉमन आ गया अपना, माइनस पी कॉमन आ गया, बेसिकली अंदर क्या बचा, कोस 53 डिग्री माइनस कोस 37 डिग्री. अब आपको ट्रायंगल पता है 37 डिग्री की, देखिए ठीक है, ये अपना 3 4 5, 3 के सामने वाला एंगल 37 होता है आपको पता है, और 4 के सामने वाला 53 डिग्री. तो देखिए मुझे कोस 53 चाहिए, कोस 53, कोस के लिए 53 के लिए बेस कौन काम करेगा, ये काम करेगा, तो क्या आएगा 3/5 माइनस कोस 37, तो यहां के लिए बेस कौन काम करेगा, ये काम करेगा, तो ये क्या हो गया माइनस 4/5 प्लस, ये प्लस आया और माइनस का भी कॉमन ले लिया. ओके तो कितना आया, माइनस पी 5 एलसीएम और ये हो गया 7. तो व्हाट इज द आंसर, वर्क डन कितना आया, माइनस पी 7/5 या माइनस 7/5 पी. ओके अच्छा, ये कंजर्वेटिव का नहीं है, ये एक्सटर्नल वर्क डन है इसलिए मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया है. अगर कंजर्वेटिव को होते इनिशियल माइनस फाइनल होता तो सिंपली यहां माइनस साइन नहीं आता. ओके इसको नोट करें और स्क्रीन को पोस्ट करके.